कुमार किशन ने 20 साल बाद किया ये बड़ा काम, फैंस ने कहा आपको सल्यूट है। जी हाँ, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और महानायक की उपाधि से सम्मानित और अब गोरखपुर से भाजपा के सांसद स्टार रवि किशन लगभग 20 साल बाद कुछ ऐसा किया है जिसे देख सबने उन्हें सल्यूट किया और उनके दीवाने हो गए। चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिरकार रवि किशन ने ऐसा क्या धमाल मचा है। ये देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि रवि किशन किसी रेलवे स्टेशन पर है और उनके आसपास बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई है। आपको बता दें कि ये भीड़ अपने सांसद और चहेते सुपरस्टार को 20 साल बाद नया कारनामा करते हुए देखने के लिए आई थी। दरअसल रवि किशन आज ट्रेन का सफर करे हैं। जी हाँ, रवि किशन आज हाजीपुर रेलवे स्टेशन से वैशाली एक्सप्रेस में बैठकर गोरखपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार सहित पूरे पूर्वांचल में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की धूम है। यहाँ का माहौल भक्तिमय हो चुका है। ऐसे में छठ व्रत रखने वाले और आम लोग ट्रेन के जरिए ही छठ मनाने के लिए सफर कर रहे हैं। रवि किशन का कहना है कि मैं उन लोगों से मुलाकात के साथ साथ उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए ट्रेन की यात्रा कर रहा हूँ। उन्होंने इसके साथ ही आगे कहा कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने लंबे समय से ट्रेन की यात्रा नहीं की थी। करीब 20 साल पहले वो ट्रेन से यात्रा करते थे, तब उनका स्ट्रगल टाइम होता था। तब से आज तक देश में रेलवे में काफी बदलाव आया है। आज इसी बहाने वो भारतीय रेल से यात्रा कर सफर को एंजॉय कर रहे हैं। रवि किशन ने मांगी सबके लिए दुआ। रवि किशन ने कहा कि वो कल पटना छठ पूजा के लिए कार्यक्रम में गए थे। अब अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर लौट रहा हूँ और अपने इस ट्रेन यात्रा को लेकर एक्साइटेड हूँ। इससे पहले मैं छठ पूजा मनाने वाले सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। रवि किशन ने कहा कि वो कामना करते हैं कि भगवान भास्कर और छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करे और देश की तरक्की करे। पूर्वांचल और भोजपुरी जगत की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और पल पल की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पूर्वांचल लाइव को।